अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों ये थ्रॉटल बॉडी है, इसके ऊपर जितने सेंसर लगे हुए हैं आज उनके बारे में बात करेंगे मुख्तसर सी। दोस्तों ये थ्रॉटल बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है या प्रेशर का बताता है, तो जो हवा इंजन में दाखिल होती है उस हवा के प्रेशर को सिग्नल की सूरत में कंप्यूटर या एसी को भेजता है। ठीक है, कंप्यूटर उस मुताबिक इंजेक्टर पल्स को कम या ज़्यादा करता है और ये डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में कितना पेट्रोल इंजेक्ट करना है या भेजना है। ठीक है, मैप सेंसर की दी गई मालूमात से दोस्तों कंप्यूटर इग्निशन टाइमिंग को भी आगे पीछे करता है। ठीक है, अगर मैप सेंसर ख़राब हो जाए तो दोस्तों जो गाड़ी है वो रिच कंडीशन में या लीन कंडीशन में चलती है। ठीक है, उसके अलावा सर्जिंग करती है, पुअर फ्यूल इकॉनमी आती है, पेट्रोल ज़्यादा खाती है गाड़ी और जो प्लग होते हैं वो भी काले निकालती है गाड़ी। लैक ऑफ पावर, यानी कि आप जैसे एक्सेलेरेट करेंगे तो वो उस तरह आपको रिस्पांस नहीं देगी जैसे बिल्कुल ठीक गाड़ी देती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इसका टीपी सेंसर है। दोस्तों टीपी सेंसर बराह रास्त कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है, जैसे ही हम गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं और जिस जगह पर हम एक्सेलेरेटर को रखा होता है उस एंगल को वोल्टेज की सूरत में कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है और कंप्यूटर उसके मुताबिक मैप सेंसर इंडिकेटर, टेम्परेचर सेंसर और जितने भी सेंसर लगे होते हैं उनसे डेटा इकट्ठा करता है। ठीक है, फिर इनकी कैलकुलेशन को करता है और फिर एयर फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस करने के लिए इंजेक्टर पल्स को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, टीपी सेंसर का यही काम है बस। अगर टीपी सेंसर दोस्तों ख़राब होगा तो गाड़ी झटके लेगी, आइडल पर सही नहीं खड़ी होगी, मिसिंग करती रहेगी थोड़ी थोड़ी सी अगर ये टीपी सेंसर ख़राब हो। दूसरा दोस्तों, अगर पेट्रोल की एवरेज भी कम आएगी आपकी, बाज़ का तो चेक लाइट आ जाती है, बाज़ का चेक लाइट नहीं आती अगर टीपी सेंसर ख़राब हो तो। दूसरा उसके बाद दोस्तों ये है इसकी आइडल चोक, आइडल एयर वॉल्व कंट्रोल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आइडल पर, जब गाड़ी आइडल पर खड़ी होती है ये हवा को रेगुलेट करता है, यानी कि जितनी हवा उसे आइडल पर स्मूथ खड़ा रहने के लिए चाहिए होती है वो इसमें से होकर आगे दाखिल होती है। ठीक है, ये आइडल एयर कंट्रोल वॉल्व है, ये हवा को कंट्रोल करता है जितनी हवा आइडल पर यानी कि स्टार्ट खड़ी हुई गाड़ी को चाहिए होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।